वाहिगुरु जी की फतेह। अज कांग्रेस का स्यापा करन दे लई पंजाब दे पंजाबी सड़कां ते आए आ। कांग्रेस दीआं पंजाब मारू नीतियां, कांग्रेस दीआं पंजाब दा दलित पछड़ा, घट गिणतियां सिख मारू नीतियां, कांग्रेस दीआं पंजाब और पंजाबीयत नूं मारन दीआं नीतियां अज असीं सड़कां ते आए आ। जदों मैं बैठा देख रहा सी कांग्रेस का इतिहास, मैं देख रहा सी कांग्रेस की पंजाब ते काली नजर 1921 तो बाद पई। कांग्रेस की काली नजर जदों चाबिया का मोर्चा लग्या, पंजाब के सिख भाईचारे ने चाबिया का मोर्चा जितया, जितण तो बाद कांग्रेस जिहड़ी देश विच फेल होई पार्टी सी 1921 का नॉन कोऑपरेशन अंदोलन, महात्मा गांधी कांग्रेस का करता धरता, सज्जिया खपिया उहदियां बाहां, मोती ते मोती क्या मोती टोमी क्या नाम सी उहनां दा, जवाहर लाल नहरू, ये लोग हारे हुए लोग सी, हारे हुए श्री मोती लाल नहरू जी, श्री जवाहर लाल नहरू जी, इन्हां दी सारी टीम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिहड़ी पंजाब च होई, ये अंग्रेजां दे खिलाफ हारे कुचले, इन्हां ने अंदोलन वापस ले लिया, घर बैठ गए। लेकिन पंजाब की धरती ते पंजाबियां ने, पंजाब के सिखां ने चाबियां दा मोर्चा अंग्रेज की तौण दी तौण ते गोडा रख के खोया। जदों गोडा रख के तौण ते अंग्रेज हकूमत दे ये चाबियां खोईया, दरबार साहब दीआं चाबियां, ननकाणा साहब दा मोर्चा, कई मोर्चे लगे, तां कांग्रेस की काली नज़र पंजाब ते पई कि इत्थों दे लोग तां बड़े बहादुर है। और कांग्रेस चिट्ठी पाउंदी पंजाबियां नूं, पंजाब दे लोग कांग्रेस दे चुंगल विच कित्थों फसना शुरू होए, पंजाब दे लोग चिट्ठी पाउंदी आ कांग्रेस कि आजादी दी अद्धी यंग पंजाबियां ने जित ली, आजादी दी अद्धी यंग पंजाबियां ने जित ली है, ते पंजाबी आ गए हवा च, पंजाबी हवा च आ गए, पंजाबी किन्ना हवा च आ गए, सिख किन्ना हवा च आ गए, कांग्रेस कांग्रेस ने ऐदां दा बहुजन समाज पार्टी पंजाब दे विच कांग्रेस सरकार दीआं नीतियां नूं लैके संघर्ष कर रही आ। जो कांग्रेस सरकार ने नारे लारे और वादे कीते सी पंजाबियां दे नाल, ओह सारे नारे नारे ते वादे ओह सारे फेल हो रहे आ। और ये इस कड़ी के जो विद्यार्थियों नाल नारा लाया सी, उन्होंने नारा लाया सी और 64 करोड़ का डाका कांग्रेस सरकार ने मारिया, और सरकारी अफसर की रिपोर्ट है ACS कृपा शंकर सरोज की, दूसरी चीफ सैकटरी की रिपोर्ट है कि डाका 64 करोड़ का नहीं 7 करोड़ का बजा। दो रिपोर्टा दो मेल नहीं खादिया, लेकिन एक गल मेल जरूर खादी आ कि घपला होया, चाहे वह 64 करोड़ का होया चाहे 7 करोड़ का होया। इस कपले के तहत मुख्यमंत्री कांग्रेस ने अज तक कोई कार्रवाई नहीं की। बहुजन समाज पार्टी का यह मानना आ कि जे कार्रवाई नहीं की तो यह मतलब हिस्सापत्ती सांझी सी, कपले का फंड मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी ने वरत्या, इसलिए उत्ते कार्रवाई नहीं हुई। बहुजन समाज पार्टी लगातार पंजाब दे विच एक अंदोलन छेड़ रखिया, अज यह 10वां प्रोग्राम है। पिछले 40 दिनों पंजाब दे वख वख कोनियां दे विच बहुजन समाज पार्टी फगवाड़ा, हुशियारपुर, उस तो बाद अमृतसर, फिर बठिंडा, पटियाला, संगरूर, दो किते राहुल गांधी भी घेरिया, खरड़, पायल, लुधियाणा, जलंधर, इदां 10 प्रोग्राम असी बहुजन फरीदकोट दे बहुजन समाज पार्टी ने प्रोग्राम किए हैं। और अज इस कड़ी का यह आखिरी प्रोग्राम आ, इस तो बाद असी यार रोस प्रदर्शन तो बाद पूरा जिहड़ा 2-3 किलोमीटर का शहर का रोस मार्च है वड्डा, वो भी कटांगे और राजपाल दे नाल मेमोरेंडम भी देवांगे। और बहुजन समाज पार्टी ये पंजाबियों नूं कहना चाहुंदी आ कि कांग्रेस दे सारे ही नारे सारे लारे सारे वादे झूठे साबित होए आ, और बहुजन समाज पार्टी पंजाब दे विच शड्यूल कास्टां लई, OBC दी बैकवर्ड लई, पछड़ियां श्रेणियां लई, मंडल कमीशन लई लड़ेगी, सड़क ते भी लड़ेगी, मैदान च भी लड़ेगी, संगठन बना के भी लड़ेगी। पर धर्मसरोत नूं जांच एजेंसी ने क्लीन चिट देती है। देखो क्लीन चिट का मतलब क्या होंगे आ, भी एक निके पैसे का घपला नहीं होया। जिदण क्लीन चिट की रिपोर्ट आई उहदे च ये लिखिया आ कि 7 करोड़ का डाका पिया,
ਉਸੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਦਾ ਗਵਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 2022 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੇ ਲੜੂਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪਲ ਕੁਮਾਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਵਾਲ ਜੀ ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਲੜਨ ਦਾ ਲਿਆਉਣਗੇ, ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, यहाँ पे देश आज़ादी के बाद कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें रही है, बहुत लंबे टाइम तक रही है और बहुत लंबे टाइम तक ना तो मजदूरों के का भला हुआ, ना किसानों का ही भला हुआ, ना ही कोई अत्याचार रुका। हमारी महिलाओं के ऊपर से अत्याचार नहीं रुके, भुखमरी नहीं रुकी, इस तरह की नशे का मामला जो युवाओं में पनप रहा है और युवा हमारा जो जवानी नशे में जा रही है वो ख़त्म होने का काम कर रहा है, वो नहीं रुकी किसी भी तरह से। प्रदेश लाइन पर नहीं है और यहाँ की जो व्यवस्था है सरकारी तंत्र की व्यवस्था वो ख़त्म होने जा रही है सम्मानित साथियों। और बहुजन समाज पार्टी उस पार्टी का नाम है, उस मिशन का नाम है, आदरणीय बहन जी के शासन में जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह का शासन हमने चलाया है, माननीय बहन जी ने चलाया है, ऐसा शासन हम पंजाब में चाहते हैं जिसमें गरीबों का भला हो, रोजगारों बेरोजगारों को रोजगार मिले, महिला सुरक्षित हो, हमारी बहन बेटी सुरक्षित हो, किसान आत्महत्या ना करे, कर्जे में बंद कर आज किसान आत्महत्या करने का काम कर रहा है सम्मानित साथियों। और ये सारी की सारी प्रक्रिया सभी दोनों सरकारें जो भी पीछे रही हैं यहाँ पे अकाली दल और कांग्रेस पार्टी की सरकार, इन्होंने चुनाव के टाइम पे लुभावने वादे जनता से किए, लुभावने वादे जनता से करने के बाद उन सरकार लाए, झूठे बोले, गुटखा साहिब की सौगंध खाई, ऐसी ऐसी कस्में खाई जो जिनको आम आदमी बड़ी भावनात्मक तरीके से भावना में आकर के इनको वोट देने का काम किया सम्मानित साथियों। लेकिन ये अपने वादे पर खड़े नहीं उतरी सरकारें, इसलिए इन दोनों का खात्मा निश्चित तौर पे है। और सम्मानित साथियों, चाहे वो आगे बीजेपी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, सम्मानित साथियों बहुजन समाज पार्टी इनका खंडन करती है, इनकी सरकारों के कार्यकलापों का बिल्कुल पूरी तरह से खंडन करती है। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेशों के अनुसार हम लोग उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं जिसमें किसानों का भला होगा, मजदूरों का भला होगा। निश्चित तौर पर 2022 में 2022 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आने का काम करेगी। सरकार से आपने उत्तर प्रदेश में गठबंधन तोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी से मिलाप हो सकता है? उस पार्टी से कभी बहुजन समाज पार्टी गठबंधन नहीं कर सकती, खास करके भारतीय जनता पार्टी जिसके हाथ मनीषा वाल्मीकि जैसी लड़की के खून से रंगे हों और उन मजदूरों से रंगे हों जो लॉकडाउन के टाइम में पूरी सड़कों पे लहू लुहान, उनके बच्चे कंधों पे भूखे प्यासे मर रहे थे, उनके खून से उसके हाथ रंगे हों, ऐसी पार्टी से बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी गठबंधन नहीं करेगी। ठीक है, धन्यवाद जी।